Let's say hello to Ijaz Romero. Assalamu alaikum. Ijaz, how are you? कैसे हैं आप? ठीक ठाक. अल्लाह का शुक्र. ये मेरे दोस्त हैं, इनसे ऐसे बात करना अच्छा नहीं लग रहा मुझे, लेकिन बहरहाल मेहमान तो मेहमान होता है. मैंने देखा क्या कर रहे थे मेहमानों के साथ. नहीं आपके साथ तो मैं नहीं करूंगा कभी. मैं तैयार हूं. और ये तो अब वी लव हिम यार, मतलब वी लव हिम. बहुत अच्छा शो कर रहा है. हां बहुत. और अब आपको पता है इंडिया ने इनकार कर दिया यार चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से. और ऐसा ज्यादती की सर उन्होंने. नहीं जो उनके साथ किए किए इसके साथ बड़ी ज्यादती हो गई. इसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती कि आपकी सोच है. अच्छा. या आप ऐसी तस्वीर यही लगाए रखो. असल में सिलसिला ये था, हमने ये प्लान किया था कि अगर इंडिया यहाँ आएगी तो चतरंगड़ा सिंह भी आएंगी. बिल्कुल ऐसे ही है. तो जैसे ही चतरंगड़ा आएंगी हम इसे ले जाएंगे. वो इसे देखते ही बेहोश हो जाएगी. सही है. हम बेहोशी के आलम में इसकी शादी करेंगे उससे. कृति सैनन कितनी तवज्जो से सुन रहे अपनी शादी. वो तवज्जो से ही सुनता है. अरसा हो गया बेचारे को सुन. बचपन से लोग कहते थे तुम्हारी शादी कराएंगे, तब से सुन रहा बैठा. नहीं लेकिन आप मुझे ये बताएं ऑनेस्टली, उसको क्या कहते हैं वो जो बगैर शादी के मर जाता बंदा? कुआरा ही कहते हैं. कुआरा लड़का मर गया बेचारा. कुआरा कुआरा लड़का मर गया. ये लड़का तो ये पहले भी नहीं था. नहीं नहीं तुम्हारी शादी हम करवाएंगे यार, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह इंशाल्लाह 20 सालों में तुम्हारी शादी हो जाएगी. क्या करना है अब शादी? अगली बारात लियाकत नेशनल में आएगी. अच्छा. वलीमा आगा खान में होगा. और इंशाल्लाह चौथी की रस्म मेवा शाह में होगी. कार्ड पे लिखा हो हमारी दुख्तर है नेक अख्तर जिन्हें शुगर की बीमारी है. अरे यार व्हाई इनकार क्यों किया? पाकिस्तान इंडिया का तो बड़ा मुकाबला होता है यार. मुकाबला करने नहीं चाह रहे वो. करना नहीं चाह रहे. मुझे भी लगता मुकाबला करना नहीं. बेसिकली बात है कि वो आएंगे, उनको पता है लास्ट टाइम जिनके साथ हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर तो पाकिस्तान जीत गया था. और ये अगेन चांसेस हैं पाकिस्तान के अगर बेहतरीन खेला और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी. यार अभी आप चेक तो करें पाकिस्तानी टीम के लिए तालियां बजाएं. हमारे शाहीन ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या किया शाहीनों ने? कमाल किया भाई. यस वी लव हिम. आप आए, हम मेजबानी करेंगे आपके. आप मेहमान बन के आए. मजे की बात है, मैं आपको सच बताऊं, आम आवाम चाहते हैं पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट. बिल्कुल दुनिया चाहती है. दुनिया चाहती है. और दुनिया का सबसे बड़ा गेम है यार ये. कितना बड़ा लॉस होगा इसके अंदर. ऑफ कोर्स मीडिया को इतना बड़ा लॉस है इसके अंदर. ऑफ कोर्स तुम और ये लड़ने लगो तो पाकिस्तान देखेगा ही ना. हाँ क्या मेरा पार्टनर भाई, इससे कैसे लड़ूं? तो मैं क्या इसराइली? बाकी में पाकिस्तान में क्रिकेट ये होना चाहिए कि दे शुड कम टू पाकिस्तान. ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स दे शुड कम. और सबसे बड़ी बात ये, देखिए जी हम बड़े मेहमान नवाज लोग हैं एंड दिस इज गोइंग आउट टू द इंडियन क्रिकेट बोर्ड. I know why you guys are doing this, but please don't do this, because here on this side in Pakistan, we'd love to see the Indian team. We'd love to host them. And inshallah, it'll be a very good match to see, for the world to see. And now it's also said that maybe South Africa will go to Africa. In this condition, we were also going to India. इस कंडीशन में हम भी तो गए थे इंडिया. चले मैं आपको एक और बात कहता हूँ, इसको भी छोड़े जी, चैंपियंस ट्रॉफी के वो मैचेस जो इंडिया के इंडिया में करा लें हम आके खेलेंगे. बिल्कुल वही करा लें, वही देख लेते हैं कि क्या हमारे प्लेयर नहीं रहते, कभी भी खेलते हैं हमारे प्लेयर. हम लोग भाई जान एक बात से कभी नहीं डरते. ये जमीन हो या वो जमीन हो, जमीन शाहीन की है. शाहीन की. शाहीन का मतलब है उड़ने वाला परिंदा. ये अक्सर ना ये ढूंढने निकल गया था शाहीन. अच्छा नहीं, और मैं इनके खिलाफ ना पूरा मोहल्ला अभी आगे बताऊंगा 13D के लोग कितने खिलाफ हैं इनके, आपकी सोच है. अच्छा 16 नवंबर से मुबारक आपको पेट्रोल बढ़ जाएगा, उसका इम्कान है. और मसनुआत भी बढ़ जाएंगी. इसका मतलब है हम बेहोश भी हो जाएंगे. आप सोचिए ना, वो रोटी जो आप लेने जाते हैं एक दिन, वो रोटी अगले दिन 2 रुपए महंगी होती है. बिल्कुल ऐसा ही है भाई. वो डायपर जो आप लेने जाते हैं बच्चे को भी बताना पड़ता है, देखो बेटे डायपर जरा कम. और आप अब थोड़े दिन की बात है कि आप मरने को इतना महंगा कर देंगे लोग मरना भी छोड़ देंगे. वो तो ऐसा ही है. वो तो
वो तो खुशी की बात है। लेकिन एक और काम किया है, वो कल खबर है, लेकिन मैं आपको पहले दे रहा हूँ कि अक्टूबर से दिसंबर तक शादियां नहीं होंगी पंजाब में बिकॉज ऑफ फॉग स्मोक की वजह से। उसके बाद क्या होगा ये आपको नहीं पता। अच्छा, यही तो सीजन होता है शादियों का। अच्छा, नींद नींद पूरी करने के लिए इंडिया की एक कंपनी ने पैसे देना शुरू कर दिए हैं कि जी आप नींद पूरी करें, सोएं ठाट से सोएं, जो जितना सोएगा उसको उतने पैसे मिलेंगे। अगर ये कंपनी पाकिस्तान में ये करती बैंकरप्ट हो गई थी। ये लोग सोते नहीं है। एक दिन में 70-70 साल के लोग सो जाते। पूरी कौम ही सो जाते। आई मीन हम तो 47 से नहीं जागे। और जो मैं जगाना चाहता हूँ उसे भी सुला देते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, किसी को बाहर भगाते हैं, किसी को सुला देते हैं, किसी को जानबूझ के मार देते हैं। मतलब जो भी हमें चाहता है कि हम जागते रहें, अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो सो जाए। अफसोस। अच्छा, जिसने टिकटॉक बनाया है वो चाइना का अमीर तरीन आदमी बन गया। यार आप सोचें, यार जिसने टिकटॉक बनाया है वो चाइना का अमीर तरीन आदमी है, तुम क्यों कुछ नहीं बनाते कौन? भाई मैं बनाऊंगा बम रैप। शबरात में फटने वाले बम बनाएंगे। बम ये क्या? शबरात में फटने वाले ये क्या है? ये मतलब भाई रैप म्यूजिक बॉम्ब किस्म की रैप्स। इस किस्म कल हमने सुना था तेरा रैप जो तू भूल गया था। ये वाहिद आदमी है, आपने भी सुना सुन गया भूल गया। मैं देखा अपना ही गाना भूल गया, और जो उसने किशोर कुमार के गाने के साथ किया। आपने वो गाना सुना था तेरे जैसा यार कहां? अब सुनिएगा। तेरे जैसा यार कहां याद करेगी दुनिया। एक गाना था, तकलीफ थी सर, तकलीफ थी। So he becomes the richest man in China. सही बात। And I think salute to him. ये तो खुद rich हुआ अमीर, इसने लोगों को भी अमीर कर दिया है, जो लोग TikTok पे अपने आप को अपनी रील्स बनाते हैं, अपनी चीजें करते हैं, कितने पैसे उनको मिलते हैं। सर, अभी एक मुजस्मा नस्ब हो रहा है एक बहुत बड़े फनकार का 13D में। ये क्या लगा दिया FBI? FBR के गोदाम से करोड़ों रुपए के जब्त शुदा सिगरेट चोरी हो गए। क्या क्या हो रहा है भाई? चोरी नहीं हुए, बांट लिए गए। मतलब इट्स ओके, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। पता नहीं किसने बांटे हैं, जिसने भी बांटे हैं शुक्र करो भरे हुए नहीं थे। क्या पता भाई हो। अच्छा, ये बड़ी कमाल बात है, PIB में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने गैर मुल्की शेफ को लूट लिया। ओ, उसको तशद्दुद करके लूटा है। ना करें यार, अल्लाह ही करो। मतलब ये खबर है भाई, मैंने थोड़ी बनाई है। और सबसे बड़ी बात ये है, एहसन भाई आप जरा देख के जाया करें। आपके खिलाफ तो मोहल्ले वालों ने वैसी पर्चे किए। मैं बोले इस आदमी को हम तो रोक नहीं सके, तुम ही रोक लो। माशाल्लाह इनके यहाँ 27वें बच्चे की पैदाइश हुई है। माशाल्लाह। और अभी इनिंग्स जारी है। इनको तो अवार्ड देने चाहिए। जी? अवार्ड देने चाहिए। मोहल्ले वालों ने दुहाइयां दी हैं। आप तो अवार्ड की बात कर रहे हैं, मोहल्ले वालों ने दुहाइयां। भाई भाई सही कहते हैं, वक्फे की बात करते हैं, वक्फे में बजाते रहते हैं। आखिरी खबर गुलशन 13D में एक मुजस्मा नस्ब करना था, हमारे एक स्टार रैपर हैं कॉन्ग खान। आपका एक मुजस्मा जो है भाई, आपका मुजस्मा बनवाएंगे एक दिन पाकिस्तान में। खबर तो पढ़ दूं तुम्हारी, इतनी मुश्किल से तो लगवाई है, पढ़ दूं। हाँ सुनो, तो भाई 13D में एक मुजस्मा लगना था कॉन्ग का, मोहल्ले के सारे लोग खिलाफ हो गए। नहीं लगा और भाई, खास नहीं तौर लगा पे बुजुर्ग बुजुर्गों ने कहा।
भाई क्या करें, जहाँ जाते खिलाफ हो जाते हैं लोग, क्या करें, ये खबर पूरी करें, खिलाफ हो जाते हैं लोग, ये कह रहे ये खबर पूरी करें, ये खबर पूरी करें। बुजुर्गों ने कहा कहीं इस मुजस्मे से भी वही खुशबू आई जो कौम से आती है। तो मौले, मौले वालों का जीना दूभर हो जाता। और नीचे इस पे एक, 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 एक कुछ इबारत लिखी हुई है, इसमें लिखा है कि इमाम साहब की तरफ से मैं इनके लिए जोर के ऐसा नहीं है या है? नहीं नहीं भाई ऐसा ऐसा नहीं है। तुम शादी कर रहे हो? इंशाल्लाह भाई। कब? भाई अब अनकरीब। अनकरीब कल? मतलब भाई अब हो, कब करो? अनकरीब तो कल ही होता भाई, अब बस चंद दिनों में। चंद दिनों में? कल। अगर इसने चंद दिनों में शादी नहीं की एक मिनट तो ये 6 महीने यहाँ फ्री काम करेगा।